वी रियली होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और आप लोगों ने अगर हमारे किसी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ में अपनी घंटी ज़रूर बजाइए, यानी अपने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, उससे आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और उससे आपकी भी घंटी बज जाएगी। सो आज जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अ फूड ब्लॉग, और जो कि सुजॉय का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है फूड ब्लॉग, और मेरा भी है बट इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। सो आज हम लोग आए हैं एक कैफे में, और उसके बारे में हम जल्दी बताएंगे आपको, बट इनिशियली लाइक वी वर डिस्कसिंग, हाँ मतलब कैफे रेस्टोरेंट से फैमिली रेस्टोरेंट। सो इनिशियली हम लोग अभी जब ऑन द वे थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मली खाना सबका मतलब फेवरेट होता है, खाना किसको पसंद नहीं होता, और अच्छा खाना हो तो ज़रूर से डेफिनेटली सबको बहुत पसंद आता है। उसी कॉन्सेप्ट के साथ में आज हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं, इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट, करी कॉर्नर नाम है इस जगह का, इट इज़ इन वैशाली, और यहाँ के ओनर से हमने भी बात करी थी कि क्या कॉन्सेप्ट था। तो अगेन इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो कि मैं जितने भी जगहों से फूडी लोगों से मिली हूँ उनका सप्ताह मेरे को सेम स्टेटमेंट मिला कि दे लव टू कुक फूड, दे लव टू ईट फूड। सो जो ऑनर है यहाँ के उन्होंने भी लाइक ना उनका भी खाना बनाने का बहुत पैशन है, उनका बचपन से वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे खाना बनाना, डिफरेंट टाइप के क्विजिन्स ट्राई करना। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ में 6 months back ही स्टार्टेड दिस प्लेस, और यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं दैट इज़ लाल मांस हो गया आपका, अफगानी चिकन है, प्लस चिकन करी हो गया, सोया चाप, इट्स अ वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। सो यहाँ का वेज में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे एंटायर जयपुर में, दैट इज़ सोया चाप। और इसके अलावा जोधपुरी चक्की की एक सब्जी होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन डिश फॉर द वेज पीपल, बट इट टेस्ट लाइक अ नॉन वेज, मतलब ये आटे की डम्पलिंग से बनाते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग जो नॉन वेज तो बहुत खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो नॉन वेज नहीं खाते, जैसे मंगलवार शनिवार, तो उस दिन वो इसको इस सब्जी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लोग बिल्कुल, और जो लोग बिल्कुल वेज हैं वो नॉन वेज को हाथ में लगाते वो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का नॉन वेज फॉर्म हो गया, वेज नहीं, कंप्लीट वेज डिश बट इन नॉन वेज स्टाइल। सो आज हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइक लाल मांस यहाँ का बहुत फेमस है, तो वी आर गोइंग टू ट्राई लाल मांस, फिर चिकन करी, सोया चाप, और अफगानी चिकन, और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेन्यू में। सो आई रियली होप कि आपको हमारा ये वाला वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, और यहाँ की डिशेज भी बहुत अच्छी लगने वाली हैं, तो हमारे इस पूरे वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, और एंड में इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ का एड्रेस और गूगल लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आपको अगर इस जगह की मैं आना हो, अपनी फैमिली के साथ आना हो, तो आप इजी वे में आ सके। स्टार्टर सबसे पहले आ चुके हैं चिकन टिक्का और सोया चाप, जिसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड एक नॉन वेज में है और एक वेज में है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहे हैं, रियली स्मेल सो वेरी यम्मी, चिकन टिक्का एंड दिस इज सोया चाप। तो किससे स्टार्ट करें, चिकन टिक्का से? चिकन टिक्का से। ओके पहले तुम ले लो, ये है हमारा
मेरे, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे, आपको पता है कि मुझे पर्सनली चिकन टिक्का कितना ज़्यादा पसंद है एंड बहुत टेस्टी है। बहुत बड़ा पीस था, इसलिए लालच नहीं लेनी चाहिए। चिकन टिक्का हम हर जगह पे खाते रहते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ टेस्ट अलग होता है। ये भी बहुत अच्छा है। और सबसे चिकन टिक्का या फिर कोई भी बारबेक्यू आइटम हो, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर वो जूसी हो तो फर्स्ट क्लास हो। ये जूसी है तो ये अच्छा है। अब हम सोया चाप ट्राई करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि हमने स्टार्टर में पहले नॉनवेज लिया था चिकन टिक्का, अब हम ले रहे हैं सोया चाप। सोया चाप पे लेते हैं सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। और सोया चाप बहुत ही अच्छा है, इसको मुँह में डालते ही मेल्ट हो जा रहा है और बहुत ही फ्रेश है। सबसे अच्छी बात यह है, मजे की बात यह है, मैंने सोया चाप लाइफ में आज सेकंड बार ट्राई किया। और मैंने फर्स्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले, लाइक 10-15 डेज बैक, मैंने एक जगह का ट्राई किया था। उससे पहले मैंने कभी सोया चाप खाया नहीं था, सो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट उस दिन जो मैंने खाया था और आज जो मैं खा रही हूँ, मुझे लगा था उस दिन मैंने बहुत ही अच्छा वाला सोया चाप खाया है, बहुत टेस्टी था एंड ऑल दैट। बट आज जब मैं दोबारा ये सेकेंड टाइम ट्राई कर रही हूँ, आई कैन फील कि ये कितना डिफरेंट है। ये बहुत ज़्यादा जूसी है और ये मुँह में जाते ही, जैसे सुजय ने भी बताया कि मुँह में जाते ही मेल्ट हो रहा है। ये डिडंट हैपन विद मी विद द फर्स्ट एक्सपीरियंस। चिकन टिक्का की कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन ये ऐसा स्पाइसी नहीं है कि जो आपको परेशान करे। ये वैसा वाला स्पाइसी है जो आप, जिस स्पाइस को आप इंजॉय करते हो, ये वो वाला स्पाइस है। सो जो थर्ड आइटम हमारे पास आया है, दैट इज़ अफगानी चिकन, जो कि वाइट ग्रेवी में बनता है। और ये हमने हमारे पहले ब्लॉग में भी दिखाया था आपको। सो दिस इज़ द अनदर प्लेस जहाँ पे हम ये अफगानी चिकन ट्राई करने वाले हैं। लेट्स सी कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। स्टार्टर्स इतने अच्छे हैं कि सीरियसली मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे स्टार्टर्स से अपना पेट भर लूँ। मेन कोर्स तक जाने की तो मतलब मन ही नहीं कर रहा है, मेन कोर्स का वेट करें। लेकिन आई एम श्योर जब स्टार्टर्स इतने अच्छे तो मेन कोर्स तो बहुत ही अच्छी यम्मी होने वाला है। अफगानी चिकन बहुत अच्छा है, अफगानी चिकन बहुत अच्छा है, टेस्टी भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने इसके ऊपर कुछ जो है, जो मैंने दूसरी जगह पे नहीं देखा इस तरह का कुछ करते हैं, इन्होंने कुछ है ना ग्रेवी टाइप का इसके ऊपर डाला है, कुछ दही स्कर्ट का कुछ ग्रेवी है वो इसके ऊपर, वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं है स्क्रीन में ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पे इनिशियली जब हम आए थे और यहाँ के ओनर से हम बात कर रहे थे, ये सेड वन थिंग कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद करता हूँ खाने के साथ में। एंड वी कैन सी कि अफगानी चिकन जो अभी तक हमने जहाँ पे भी बाकी जगहों पे ट्राई किया है, जूसी होता है, कहीं पे ड्राई होता है, कहीं पे काफ़ी उसका टेस्ट थोड़ा सा दूसरे तरीके से एनहेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत डिफरेंट लगी कि कोई ग्रेवी जो इन्होंने ऐड करी है, आई एम श्योर दे डोंट वॉन्ट टू लीव द USP, बट जो ग्रेवी इन्होंने ऐड करी है अफगानी चिकन के ऊपर, वो इसको बहुत डिफरेंट बना रही है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना रही है। सो यहाँ पे हमारे बाकी मेन कोर्स के आइटम आ गए। ये सबसे पहले चिकन करी, देन दिस इज लाल मांस, और ये जोधपुरी चक्की। Thank you.
बनाई है उसको आटे के डो के साथ और आलू प्याज मसाला ये सब यूज किया जाता है। वही हम सबसे अच्छी बात यह है कि मसाला तेज नहीं, मसाला बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि यहाँ की यूएसपी है, यहाँ पे जितना भी खाना ये बनाते हैं ना, आई वॉज हैविंग अ टॉक विद द ओनर एंड द शेफ कि वो पूरा घर के स्टाइल में खाना बनाते हैं, ज़्यादा टोमेटो या जो क्रीम ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, जो प्योर आप घर पे जिस स्टाइल में खाना बनाते हैं उसी स्टाइल में आपका ये पूरा खाना प्रिपेयर किया जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप ट्राई करते हैं लाल मांस, राजस्थानी लाल मांस। या फिर आप हमारे वीडियो में भी आना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से फॉलो करिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि इस रेस्टोरेंट का हम आपको गूगल जो है लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ पे आ सकते हैं और जरूर से आइए, जरूर आइए, आपको आना चाहिए। और आज हमने जितने भी आइटम्स आपको दिखाए हैं, जितने भी आइटम आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, हम रेकमेंड करते हैं इसको। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, हो सकता है फूड ब्लॉग के साथ मिले या फिर किसी के साथ मिले, आप बताइएगा आप हमको किस वीडियो के साथ करना, किस वीडियो में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। बाय बाय।